हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। सो आज हम लोग बात करने वाले टाटा पंच के बारे में। तो यहाँ पे एक खड़ा हमारे पास टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट, दूसरा देखेंगे तो ये एडवेंचर रिदम। तो इन दोनों के कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, डिटेल में बात करेंगे कितना प्राइस में अंतर आता है, क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एडवेंचर में नहीं मिलते हैं एंड एडवेंचर रिदम में आपको दिए जाते हैं। तो भाई 5-स्टार रेटेड दोनों माइक्रो एसवी कार्स हैं। यहाँ पे सिर्फ वेरियंट्स का आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस डिफरेंट की अगर बात कर ले तो एक्स शोरूम रिदम वेरियंट अगर आप लेते तो 34,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा इस एडवेंचर वेरियंट से। तो यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे एकदम मस्कुलर से आपको ब्रॉड से आपको लुक्स मिल जाते हैं 5-स्टार रेटेड माइक्रो एसवी कार के साथ। एंड यहाँ पे इसका ट्रॉपिकल मिस्ट कलर देख रहा है एडवेंचर वेरिएंट का, एंड ये एडवेंचर रिदम का है व्हाइट कलर। एंड इसके अलावा आपको इसमें एक मिलता है ऑरेंज कलर, दूसरा ग्रे कलर देखने को मिल जाएगा। तो 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं इस वेरिएंट में। टॉप में जाएंगे तो वहाँ पर रेड एंड ब्लू कलर और एड ऑन हो जाता है। एंड टॉप वेरिएंट में आपको डुअल टोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर फ्रंट से आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो एक बार आपको पास से दिखा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो हैलोजन बेस यहाँ पर हेडलैम्प रहेंगे, ऊपर जाते पार्किंग लाइट वगैरह, नीचे फॉग लैंप्स नहीं रहते हैं। देन इधर आएंगे तो इधर भी सेम चीज़ें वही देखने को मिलेंगी। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी यहाँ पे अंतर देखने को नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो वही 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है इन दोनों कार्स में। डायमेंशन वाइज सेम है। एंड अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको दिए जा रहे दोनों में स्टील रिम, तो यहाँ पर भी कोई भी अंतर नहीं रहेगा। एंड देख सकते हैं दोनों में सेम यहाँ पर टायर साइज वगैरह रहेगा, 15 इंचेस का आपको इसमें दिया जाता है। ये टायर सेक्शन आप देख सकते हैं 185/70 और 15 इंचेस के, इसमें भी वही सेम रहेगा। ये देख लीजिए फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे जाएंगे तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। ये क्लाइडिंग इंडिकेटर्स वगैरह सेम वही, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल इसका आउटसाइड मिरर्स, डोर हैंडल सेम बॉडी कलर, बट एक आपको यहाँ पे मेजर डिफरेंट देखने को मिलेगा बिकॉज दो ही इसमें देखा जाए तो मोटा मोटा अंतर है। यहाँ पे देख रहे ये वाला ऑडियो सिस्टम जो आपको दिया जा रहा है, ब्लूटूथ यूएसबी ऑक्स वगैरह सपोर्टेड होगा। बट अगर आप इसके एडवेंचर रिदम में जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको टच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो अंदर चलेंगे तब आपको दिखाएंगे पिलर, इसके भी ब्लैक, इसके भी ब्लैक। तो एक ही अभी आपने देखा फ्रंट हो या साइड हो, एक ही आपको अंदर देखने को मिला। देन रियर में आपको यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, इधर भी ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। और ये रही इसकी बैक प्रोफाइल, यहाँ पे देखेंगे कोई रियर वाइपर डिफॉगर नहीं है बिकॉज टॉप वेरिएंट में आपको ये फीचर दिए जाते हैं। बैकलाइट्स यहाँ पे रहती है हैलोजन बल्ब के साथ। एंड ये रहा इसका एडवेंचर वेरिएंट। एंड एडवेंचर की बात करें तो यहाँ पे भी देखें कुछ भी नहीं रहेगा, सेम दोनों में आपको जैसे एडवेंचर रिदम में चीज़ें मिल रही वही इसमें भी बैक प्रोफाइल में मिलती है, यहाँ पे कोई भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। एंड व्हील बेस की बात करें तो आपको इसमें 2445 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिल जाता है इस पंच में। एंड पास से थोड़ा सा आपको दिखाती हैं दोनों की बैक प्रोफाइल, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पर टाटा का लोगो, पंच की बैजिंग, हैलोजन बेस, इसके टायर डिज़ाइन में बैक लाइट्स, नीचे आपको दो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ब्लैक कलर का बम्पर, सेम वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। बट एक यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेगा, ये रिवर्स पार्किंग कैमरे का। तो और सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा, अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम, दो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इस एडवेंचर रिदम में, जिसके लिए आपको 34,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड समथिंग 39,000 से 40,000 के आसपास ऑन रोड यहाँ पे डिफरेंट आएगा अगर आप एडवेंचर लेंगे तो, ये आपको समथिंग पड़ता है जाके 7,69,000 के आसपास। एंड ये जाता है ऑन रोड समथिंग वही 8,09,000 के आसपास। तो ये था इसकी प्राइसिंग। एंड अभी दिखाते हैं आपको उसका इंटीरियर। तो उससे पहले इधर आएंगे फ्यूल कैप फिलर, यहाँ पे भी देख सकते हैं 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। एंड ये इसकी पूरी साइड प्रोफाइल, साइड से तो कोई अंतर आई नहीं भाई जैसा कि आपने देख रखा है। एंड पिलर्स वगैरह भी सेम यहाँ पे रहते हैं दोनों के। और अभी आपको इसका दिखाते हैं पूरा डैशबोर्ड, सेम डुअल टोन में आपको पूरा इसका डैशबोर्ड रहने वाला है। तो भाई डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर है जो आपको बेस से लेकर टॉप तक दिया जाएगा। ये यहाँ पे मिलते हैं ऑडियो सिस्टम, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे आपको उसमें जाएंगे तो 7 इंच वाला टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो इसका आपने देख ही लिया, यहाँ पे आपको टच वाला नहीं मिलता है। और यहाँ पे जैसे जाएंगे भाई इस एडवेंचर रिदम के साथ, एंड ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसको अवॉइड करिएगा बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 7 इंचेस का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसी के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो एडवेंचर रिदम पैक में आपको दो चीज़ें ऐड ऑन मिलेंगी, एक इंफोटेनमेंट, दूसरा रिवर्स पार्किंग कैमरा। की भाई दोनों में इसी तरह रहती है फ्लिप की, जहाँ पे लॉक अनलॉक फुल में हेडलाइट जैसे बटन्स मिल जाएंगे, पीछे टाटा का लोगो। की को लगा के एक बार आपको दिखाते हैं, तो क्लस्टर देख रहे पूरा अनलॉक रहेगा इसमें भी उसमें भी। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स उसमें भी आपको मिल जाते हैं। ये भाई आ रहा है जैसे कनेक्टिविटी देख रहे हैं ना, इसमें नहीं मिलेगी, टॉप में आपको लेना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, तब जाके आपको ये आर एसी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम रहेगा, डैशबोर्ड पूरा सेम डुअल टोन में, डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर ये जो देख रहे हैं, लाइट एसी वेंट्स, यहाँ पे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स, स्पेस, ट्रांसमिशन को अवॉइड करिए बिकॉज ऑटोमेटिक है जो कि आपको एडवेंचर वेरिएंट से दिया जाता है। तो ये एडवेंचर रिदम है, इसमें भी आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे रहा इसका पूरा इधर वाला डोर पैनल, ऊपर ये देख रहे हैं ना ये सब चीज़ें, लाइट्स, माइक वगैरह, सनवाइज़र, इधर जाएंगे इधर भी भाई, तो यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा अगर मोटा मोटा आप देखते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं उधर का पूरा डैशबोर्ड। तो अगर आपको उसका डिटेल वीडियो देखना तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा जो मैंने पहले से डाल रखा है। तो ये था
और इधर वाला आपने देख ही लिया, ये कुछ इस तरह रहेगा, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। क्लस्टर स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स, ये सभी चीज़ें सेम रहेंगी, मैनुअल सारे एसी के कंट्रोल्स। और पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलते हैं, ये राइस का पूरा लेआउट, फैब्रिक की सीट्स आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। एंड बैठेंगे तो बैठने के बाद ऐसा कुछ डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे 34,000 आप एक्स्ट्रा तो दे रहे, बट आपको फील अच्छा आएगा बिकॉज कंपनी फिट आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है एंड्रॉइड ऑटो पल कार पे यूएसबी ऑक्स वगैरह सभी को सपोर्टेड होगा वो मिल जाता है। इसी के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी रियर एसी वेंट्स आपको नहीं मिलते टाटा पंच के किसी भी वेरिएंट में। और फिक्स एड्रेस रहेंगे, पार्सल ट्रे हैंडल, ये ऐसा कुछ है इसका पूरा लेआउट। यहाँ पे देखेंगे तो स्पीकर्स वगैरह, पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे चाइल्ड लॉक। देन इसकी बात की जाए तो यहाँ पे सेम चीज़ें हुई, फैब्रिक की सीट्स, वही डोर पैनल में सारे कंट्रोल्स। एंड इसमें बैठने के बाद कुछ ऐसा आपको देखेगा इसका ऑडियो सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है आपको यूएसबी ऑक्स ब्लूटूथ वगैरह जैसी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती हैं। कोई भी ऐसे इवेंट्स नहीं रहते भाई किसी भी वेरिएंट में। एंड वही फिक्स एड्रेस, पीछे पार्सल ट्रे, सीट बेल्ट्स वगैरह, उधर हैंडल वगैरह दिया गया है। तो ये था इसका अंदर का इंटीरियर। बैक से एक ही मेजर चेंजेस है, यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता है, एडवेंचर रिदम में आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर में वही इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा इस टाटा पंच में। और इसका एक भाई प्लस पॉइंट रहता है डोर पैनल, तो ये जो देखते हैं ना सारी डोर्स इसकी 90 डिग्री खुल जाती हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज आराम से आप इसमें बैठ पाएंगे। तो ये था भाई इसका कुछ पूरा कंपैरिजन। तो कंपैरिजन मैंने बना तो डाला, बस यहाँ पे मोटा मोटा देखा जाए तो दो ही चीज़ का अंतर देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं रहने वाला है। सेफ्टी पर्पज से अगर आप कोई माइक्रो एसयूवी कार परचेस करना चाह रहे हो तो काफ़ी अच्छा सा ऑप्शन मिल जाता है आपको इस कार का। सो यही था गाइज इसका पूरा कंपैरिजन। भाई यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में कोई अंतर था नहीं, तो आपने देखा बस दो ही चीज़ें को अंतर था, मैंने सोचा चलो एक साथ आप देखेंगे एक फ्रेम में तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी फ्रंट से कोई भी अंतर नहीं है, इंटीरियर में आपको वही इंफोटेनमेंट मिलेगा, पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो आपको इसमें ABS विद EBD डुअल एयरबैग, रिमोट सेंटर लॉकिंग की, एंड सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर से काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इन दोनों कार्स में। एंड इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एड ऑन हो जाएगा फीचर्स में। तो ये था हमारा इसका पूरा डिटेल वीडियो। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको पड़ती है 6,74,000 एक्स रूम, एंड ऑन रोड जाता है वही समथिंग 7,69,000 ऑन रोड। एंड अगर आप एडवेंचर रिदम में जाते हैं तो ये आपको पड़ेगा 7,09,000 एक्स रूम, एंड 8,08,000 जाता है ऑन रोड लखनऊ। मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटा 34,000 का एक्स रूम अंतर है, एंड वही 39,000 के आसपास पड़ेगा आपको दोनों का ऑन रोड डिफरेंट। तो ये इसकी प्राइसिंग। वाइस अब आप सोच रहे हो भाई इन दोनों वेरियंट्स में से कौन सा लेना चाहिए, तो भाई इन्फोटेनमेंट, रिवर्स पार्किंग कैमरा आजकल की तो नीड है, जरूरी है, जाहिर सी बात है सभी लोग सोच सके हमारी कार में होना चाहिए, तो आप जा सकते हैं इसके एडवेंचर रिदम के साथ बिकॉज ये आपको कंपनी फिटेड स्टॉक चीजें जो होती है ना उनकी भाई बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर अगर आप आफ्टर मार्केट भी कराते हो समथिंग आपका 20-25,000 आराम से लग जाएगा, कितना भी सस्ता आप करवाइए, तो आप एडवेंचर रिदम ले सकते हैं जहाँ पे आपको फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये आज का हमारा इसका प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो। एंड वारंटी आपको इनमें मिलती है 2 साल 75,000 किलोमीटर की, जो आपको टाटा प्रोवाइड करते हैं, एंड इसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं आगे फर्दर भी। तो ये था भाई बढ़िया सा हमारा एडवेंचर एंड एडवेंचर रिदम वेरिएंट, मस्कुलर सी एसयूवी कार जो माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की भाई एकदम टॉप सेलिंग एसयूवी कार है बिकॉज यहां पे इसकी काफी ज्यादा यूनिट सेल्स हो रही है। सो अगर वीडियो हमारी आज की पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं सुनील फिल्म लूंगा आपको अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।